बीए तृतीय वर्ष के सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर राजकीय महाविद्यालय रायपुर के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत। हम पिछली कक्षा में मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे, मेवाड़ के बहुत सारे शासकों के बारे में अध्ययन किया। आज हम मेवाड़ के एक महत्वपूर्ण शासक लाखा या लख सिंह के बारे में हम अध्ययन करेंगे। लख सिंह लाखा का जो राज्य शासन काल है वो 1382 ईस्वी से लेकर 1421 ईस्वी तक 1382 से लेकर 1421 ईस्वी तक रहा। महाराणा अमीर के पुत्र व खेता के पुत्र लक्ष सिंह है लाखा 1382 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने भाई। लाखा जो है राजगद्दी पर कब बैठे? 1382 ईस्वी में। ये किसके पुत्र थे? अमीर के पुत्र व खेता के पुत्र लक्ष सिंह, ठीक है भाई। तो लाखा जी मेवाड़ के गद्दी पे बैठते हैं 1382 ईस्वी में। लाखा के शासनकाल में भाग्यवश जावर की उदयपुर के खानों में पहली बार चांदी निकली है। बहुत महत्वपूर्ण बात है भाई, राजस्थान जीके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाखा के शासनकाल में जावर जो उदयपुर में है वहाँ पर चांदी की खान निकली। खान के आय से उसने कई किलों और मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, क्योंकि राज्य की आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई चांदी की खान निकलने के कारण। इसलिए इसका उपयोग किलों के निर्माण में, मंदिरों के निर्माण एवं पुनर्निर्माण में किया गया। लाखा के शासनकाल में पीछू नामक चिड़ीमार बंजारा है, उसकी स्मृति में पिछोला झील का निर्माण हुआ उदयपुर में। तो यह भी एक महत्वपूर्ण कुशल मर्दा जीके के हिसाब से पिछोला झील का परिचय कर लेते हैं। पिछोला झील बेड़च नदी पर स्थित है। इसका निर्माण 14वीं शताब्दी में राणा लखा के शासनकाल में हुआ। इसके शासनकाल में, राणा लाखा के शासनकाल में, महाराणा उदय सिंह ने इसकी पाल को पक्का बनवाया भाई। पिछोला झील की जो पाल है उसका पक्का कराने का श्रेय जाता है महाराणा उदय सिंह को। सिसरमा व बूजड़ा नदी आकर गिरती है। इस झील में जग मंदिर जो करण सिंह द्वारा 1620 में बनाया गया, शुरू कराया गया, जिसको पूर्ण कराया जगत सिंह प्रथम ने, तो जग मंदिर। और दूसरा महत्वपूर्ण भवन है जगनिवास, जगत सिंह द्वितीय द्वारा बनाया गया। तो दो भवन है पिछोला झील के मध्य में। पहला हो गया जग मंदिर, जिसका निर्माण शुरू कराया करण सिंह ने और उसका पूर्ण करवाया जगत सिंह के द्वारा 1651 में पूर्ण हो गया, 1620 से बनना शुरू हुआ। दूसरा जो महत्वपूर्ण भवन है जगनिवास भवन, जिसका निर्माण जगत सिंह द्वितीय ने 1646 ईस्वी में पूर्ण करवाया। महाराणा प्रताप मान सिंह की मुलाकात इसी पिछोला झील की पाल पे हुई थी। राणा लाखा के दरबार में संस्कृत के प्रख्यात विद्वान झोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट थे। इससे पता चलता है कि राणा महाराणा जो लाखा है वो विद्वानों को अपने राज्य में प्रश्रय देते थे। तो दो महत्वपूर्ण विद्वान उनके शासनकाल में थे, झोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट। लाखा के शासनकाल की एक महत्वपूर्ण घटना घटी। लाखा दिल्ली सुल्तान गयासुद्दीन द्वितीय को बदनौर के समीप हुए युद्ध में पराजित करके हिंदुओं से लिए जाने वाले तीर्थ कर को समाप्त करने का वचन लिया था। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन द्वितीय और महाराणा लाखा के बीच में युद्ध होता है भाई। कहाँ पे हो रहा है युद्ध? बदनौर के समीप। बदनौर अभी भीलवाड़ा में है। बदनौर के समीप युद्ध होता है। 1396 ईस्वी में गुजरात के जफर खान ने मांडलगढ़ पर आक्रमण किया, लेकिन लाखा ने इस आक्रमण को विफल कर दिया। राणा लाखा ने बूंदी के राव बरसिंह हाड़ा को मेवाड़ का प्रभुत्व मानने के लिए विवश किया। तो बूंदी की विजय प्राप्त की महाराणा लाखा ने। गुजरात के जफर खां हैं, उनके आक्रमण को विफल किया, दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन द्वितीय को पराजित किया। और तीसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि है बूंदी के राव बरसिंह हाड़ा को पराजित करके मेवाड़ का प्रभुत्व वहाँ स्थापित किया। मारवाड़ के शासक रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के महाराणा लाखा के पुत्र चुंडा से करने का सोचा। रणमल ने चुंडा की सगाई के लिए नारियल मेवाड़ के दरबार में भेजा। उस समय राणा लाखा का पुत्र चुंडा दरबार में नहीं था। तो राणा लाखा के पुत्र थे, बड़े पुत्र थे चुंडा, उनका विवाह मारवाड़ के राजवंश के राजा थे रणमल, उन्होंने अपनी बहन का विवाह का नारियल भेजा चुंडा के लिए, परंतु चुंडा उस समय दरबार में नहीं था। सगाई के नारियल देखकर महाराणा लाखा ने मजाक करते हुए कहा कि बुढ़ापे में मेरे साथ किसने मजाक किया कि बुढ़ापे में मेरे लिए किसने नारियल
भेजा सगाई का। चुंडा को दरबार में न देखकर रणमल का दास वापस रणमल के पास पहुंचा। तो वे पुत्र के लिए नारियल आया था और मजाक में राणा लाखा ने क्या कहा कि मेरे लिए बुढ़ापे में किसने सगाई का नारियल भेजा। दास ने पूरा का पूरा विवरण जो दरबार में हुआ पूरा का विवरण महाराज रणमल को सुनाया। रणमल ने दास को वापस लाखा के पास सशर्त सगाई का नारियल देकर भेजा और शर्त यह रखी गई कि हम अपना आप मेरी बहन का विवाह महाराणा लाखा के साथ भी करने को तैयार है, परंतु एक शर्त रखी गई कि शर्त यह है कि मेरी बहन से होने वाले पुत्र को ही मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनाया जाए, तब तो मैं लाखा के साथ अपनी बहन का विवाह करने के लिए तैयार हूँ। लाखा ने इस शर्त को स्वीकार कर लेते हैं तो मेरी बहन हंसा की शादी महाराणा लाखा के साथ करने को तैयार था, लेकिन उसे इस बात का पता था कि उसकी बहन महाराणा लाखा की रानी बनेगी, लेकिन उसकी कोख से जन्म लेने वाला बालक मेवाड़ का शासक कभी नहीं बन पाएगा। आखिर में मेवाड़ की राजगद्दी पर तो महाराणा लाखा के बाद चुंडा का ही अधिकार है। तो राव रणमल की इस बात का जवाब देते हुए चुंडा जो पुत्र था लाखा का, उसने दरबार में विषम प्रतिज्ञा की। क्या प्रतिज्ञा की कि हाँ, अगर आप मेरे पिताजी के साथ हंसा देवी का विवाह करते हो तो हंसा देवी की जो संतान है उसी को राजगद्दी में बिठाया जाएगा। मैं कभी भी राजगद्दी के लिए अपना अधिकार नहीं रखूंगा, मैं कभी मेवाड़ की राजगद्दी के लिए अपना दावा प्रस्तुत नहीं करूंगा। जिस तरह से भीष्म पितामह, महाभारत में देखा होगा, भीष्म पितामह ने राज्य का त्याग किया, उसी तरह चुंडा ने अपने पिता के खातिर अपने पिता के विवाह के लिए अपना जो उत्तराधिकार में मिलने वाला मेवाड़ की राजगद्दी थी उसको उन्होंने त्याग दिया और विषम प्रतिज्ञा ली कि मैं कभी भी मेवाड़ की गद्दी पे दावा नहीं करूँगा। बाद में हंसा देवी के साथ विवाह हो जाता महाराणा लाखा का। चुंडा द्वारा सत्ता का त्याग के बारे में राजस्थानी गीतों, बड़ुओं, रानी मंगों की पोथियों में कुछ अलग अलग रूप में मिलता है। सभी में चुंडा की प्रशंसा की गई। बहन हंसा बाई की शादी महाराणा लाखा से कर देते हैं। रणमल अपनी बहन का विवाह किसके साथ कर देते हैं? राणा लाखा के साथ। तो चुंडा ने अपने पिता के लिए अपना उत्तराधिकार में मिलने वाले राज्य को चुंडा त्याग देते हैं, इसलिए उनकी पढ़ाई विभिन्न तरह के चारण भाटों के गीतों में, बड़ुओं के गीतों में, भाटों की पोथियों में उनका वर्णन मिलता है। बाद में क्या होता है कि महाराणा लाखा और हंसाबाई के जो पुत्र होते हैं महाराणा मोकल, उस मोकल को ही राजगद्दी पे बिठाया जाता है। चुंडा कभी भी मेवाड़ की गद्दी के लिए अपना अधिकार नहीं जताता है। लाखा मेवाड़ के विषम पिता, इसी कारण चुंडा को क्या कहते हैं? मेवाड़ के विषम पितामह। जिस तरह विषम पितामह ने अपने राज्य का त्याग किया, उसी तरह चुंडा ने भी अपने उत्तराधिकार में मिलने वाले राज्य का त्याग कर दिया अपने पिता के लिए, इसलिए इसको मेवाड़ का विषम पितामह भी कहा जाता है। राजस्थान जिले का एक महत्वपूर्ण किसान है कि मेवाड़ के विषम पितामह के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो चुंडा। कौन जाने जाते हैं? चुंडा। लाखा व हंसाबाई के विवाह के 13 महीने बाद ही हंसाबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया मोकल। राणा लाखा जब मृत्यु की शैया पर थे तो उन्होंने अपने बड़े पुत्र चुंडा को अपने पास बुलाकर अपने छोटे पुत्र मोकल का संरक्षक बनाया कि भाई राजा तो बनेगा मोकल और आप उनके संरक्षक बनेंगे। मेवाड़ का महान सिसोदिया वंश राणा मोकल के मोकल, जिस समय लाखा की मृत्यु हुई तो मोकल मात्र 12 वर्ष के थे। तो मोकल को मेवाड़ की गद्दी पर बिठा दिया 1421 से लेकर 1433 पर। उस समय मोकल की जो आयु थी वो केवल 12 वर्ष थी। लाखा के कहे अनुसार उसके बड़े भाई चुंडा राज्य के सभी कार्यों को बड़ी कुशलता से कर रहे थे। हंसाबाई जो लाखा की माँ है और चुंडा की सौतेली माँ, हमेशा चुंडा को शक की दृष्टि से देख देती है कि कहीं चुंडा उसके राज्य पर मोकल को हटा के मेवाड़ के राज्य की गद्दी पर नहीं बैठ जाए, इसलिए वो शक की दृष्टि से देख देती चुंडा को। चुंडा परेशान होकर मेवाड़ छोड़कर मालवा चले गए। हंसाबाई ने अपने भाई रणमल को बुला लिया।
पर रणमल को बुला के मोकल का संरक्षक नियुक्त कर दिया। अब रणमल था जो राठौड़ था, अब रणमल ने क्या किया, शीघ्र ही मेवाड़ के जो उच्च पद है उनके ऊपर राठौड़ों की नियुक्ति करनी शुरू कर दी। और मेवाड़ के जो राणा है या मेवाड़ के जो राजपूत है उनको उच्च पद नहीं दिया जाने लगा, और सब उच्च पद किसको दिया जाने लगा, राठौड़ों को। इसलिए मेवाड़ के सिसोदिया वंश के जो सरदार थे वो रणमल से नाराज हो गए। रणमल मारवाड़ का ही स्वामी नहीं रहा बल्कि मेवाड़ का भी सर्वेसर्वा बन गया। मारवाड़ पे तो उसका वैसे अधिकार था और मेवाड़ का संरक्षक बन गया मोकल का, तो मेवाड़ के ऊपर भी उसका अधिकार हो गया। तो अब मेवाड़ के जो सरदार थे, सिसोदिया सरदार थे, वो सब रणमल से नाराज हो गए। सिसोदिया सरदारों ने रणमल को सत्ता से वंचित कर उन्हें अपमानित कर रहा था। एक दिन रणमल आवेश में आकर मेवाड़ सरदार राघव देव जैसे योग्य व्यक्ति की हत्या करवा देता है। इससे राठौड़ों व सिसोदिया में वैमनस्य बढ़ जाता है और दोनों में लड़ाई होती है और बाद में इसी कारण रणमल की हत्या हो जाती है। मोकल ने 1428 ईस्वी के लगभग नागौर के फिरोजकर, मोकल की उपलब्धियां क्या हैं, 1428 ईस्वी में के लगभग नागौर के फिरोज खां को रामपुर के युद्ध में परास्त किया। फिरोज खां का साथ देने आई गुजरात की सेना को भी हार का मुँह देखना पड़ा। गुजरात के शासक अहमद शाह ने मेवाड़ पर 1433 ईस्वी को आक्रमण कर दिया। मोकल को इस आक्रमण का पता चला तो वह भी उस युद्ध में अपने लिए करने के लिए रवाना हुआ और जिलवाड़ा नामक स्थान पर पहुंचा। युद्ध के मैदान में मोकल के सिसोदिया सरदार जो रणमल के हार के कारण कल से नाराज थे, महपा पंवार के कहने पर महाराणा क्षेत्र सिंह की खातिन जाति की दासी से उत्पन्न दो पुत्र चाचा और मेरा, एक बार मोकल ने जंगल में चाचा और मेरा से प्रसंगवश किसी वृक्ष के बारे में पूछ लिया, तो उन्होंने समझा कि हम खातिन जो महिला उसकी औलाद होने के कारण, उनके पुत्र होने के कारण यह मोकल हमसे मजाक कर रहा है या हम पे हमारे ऊपर व्यंग्य कस रहा है, इसलिए वो नाराज हो गए और उन्होंने अपना प्रणाम का बदला लेने के लिए मोकल को मार दिया अवसर पाकर किसने, चाचा और मेरा के द्वारा। तो मोकल की भी हत्या हो जाती है। बाद में मोकल के जो पुत्र हैं वो मेवाड़ की गद्दी के ऊपर बैठते हैं और वो होते हैं सौभाग्य देव। मोकल की पत्नी थी परमार राजकुमारी सौभाग्य देवी, उनके पुत्र थे महाराणा कुंभा, और वो महाराणा कुंभा है वही बाद में मोकल के बाद मेवाड़ की गद्दी के ऊपर अधिकार करते हैं। तो महाराणा कुंभा के बारे में विस्तार से हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे, अगली यूनिट में हमारे सिलेबस में दिया गया है महाराणा कुंभा और महाराणा सांगा, तो अगली कक्षा में हम इसका अध्ययन करेंगे। इसी के साथ आज की हमारी क्लास पूरी होती है।